कल हम लोगों ने पढ़ा था श्लोक ततो गर्जत धरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः तेन नादेन महता निर्जगामो हरीश्वरः। श्लोक पढ़ना आ गया था जी गुरुजी, कल पढ़ना सिखा दिया था बढ़िया से। अब ये मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और उस श्लोक को, यहाँ सभी श्लोकों में ततः 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 ये पंक्ति आते जा रही है। तो ततः का मतलब है कि कंटिन्यूटी में है, ये श्लोक ततो गर्जत हरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः तेन नादेन महता निर्जगामो हरीश्वरः, यही है जी गुरुजी। तो यहाँ तक सब याद हो गए, श्लोक याद होगा तो ज्यादा अच्छा है। पाठ किया कीजिए, सुबह उठिए और थोड़ा सा पाठ कीजिए इन मूल मूल को। पांच मिनट में मूल रामायणम पूरा हो जाता है। पूरे मूल रामायण को पाठ करने में कितना मिनट लगता है? पांच मिनट भगवान के सामने बैठ करके और मूल मूल पढ़ लिया कीजिए तो याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो अर्थ भी समझना आसान हो जाता है। आज का श्लोक है अनुमान्य तदाता राम सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैव शरणेकेन राघवः। ये जो श्लोक है, ये श्लोक में सभी आसान शब्द हैं। मैं आगे आगे बोल लेता हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोल लीजिएगा। अनुमान्य तदाता राम, बोलिए। अनुमान्य तदाता राम, अनुमान्य तदाता राम, अनुमान्य तदा तदाता राम सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीवेण समागतः, समागतः सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीवेण समागतः। ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सुग्रीवेण समागतः आप पढ़ रहे हैं चिंटू, सुग्रीवेण समागतः है पूरा और है उसमें। हाँ। सुग्रीवेण समागतः, समागतः निजघानो च तत्रैव, निजघान च तत्रैव शरणैकेन राघवः, शरणैकेन राघवः, शरण एकेन क्या है? शरण, हाँ, सर शब्द है, शर, शर मने बाण, पीछे भी पढ़ा है शर शब्द का प्रयोग। और तृतीय विभक्ति में जैसे रामेणो बना, वैसे ही क्या बनेगा यहाँ पर? सरेणो, क्या बनेगा रूप? सरेण, सरेण, तो सरेणैकेन, सरेणैकेन एकेन सरेण, सरेणैकेन राघव, सरेणैकेन राघव, ठीक। पूरा श्लोक बोलिए मनीषा जी। गुरुजी, अनुमान्य तदाता राम अनुबरी मात्रा बढ़ रही है आपकी। हाँ, अनुमान, अच्छा, अनुमान्य, ठीक है, अनुमान्य तदाता राम सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीवेण समागतः, अनुमान्य तदाता राम सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैव शरणैकेन राघवः। अब चिंटू आप बोलो। अनुमान्य तदाता राम सुग्रीवेण समागतः निजधान च तत्रैव शरणैकेन राघव। अनुमान्य तदाता राम सुग्रीवेण समागतः निजधान च तत्रैव शरणैकेन राघव, शरणैकेन राघव, ठीक है, मैंने गलत पढ़ा। अब इसका पदच्छेद कर लेते हैं। तो अनुमान्य तदा ताराम सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्र एव
सरेण एकेन राघवः, ये अलग अलग पद हो जाएंगे। तो केवल दो जगह यहाँ संधि है, तत्रैव और सरेण एकेन, दो ही जगह है। तत्र एव, तत्र मने क्या होगा चिंटू? वहां, वहां। एव मने ही, ही निश्चय ही, ठीक। तो क्या हो गया अर्थ? वही, वहां, वहां ही हो गया जी महोदय, निश्चय ही वहीं पर हो गया। अब यहां पर अन्वय पढ़ते हैं, तदा जब ये घटना हो गई तो क्या? अतो गर्जत धरीवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः। तो सुग्रीव जब गर्जना किया तो उसकी जो गर्जना थी उससे ज्यादा जोर से गर्जन करता हुआ बाली गुहा से बाहर आ गया। ये बातें हो गई थी। फिर कह रहे तदा, उसके बाद, तब ताराम अनुमान्य। ताराम तारा शब्द है, तारा शब्द के द्वितीय एक वचन में ताराम होगा, ठीक। तो ताराम का क्या अर्थ होगा? तारा को, तारा को, ताराम अनुमान्य, तारा का, तारा को अनुमान, अनुमान लगा नहीं। अनुमान्य का क्या अर्थ होगा? अनुमान्य। अब यहां पर अनु उपसर्ग है, क्या है? अनु उपसर्ग है, और मन जो है यह धातु है। कौन धातु है? मन। ये देखिए, आपको यहां से परिचय करा देता हूं। कौन धातु है? मन। इतने धातु हैं। कौन कौन धातु है? मन धातु ही है, ये कुछ ज्यादा हो गया। मन धातु दो जगह आता है और मन धातु के दो अर्थ होते हैं, ठीक। मन स्तंभे और मन ज्ञाने, ये दो धातुएं हैं। तो स्तंभ अर्थ में स्तंभन समझते हैं, रोकना किसी को, चौंका देना, उसको क्या कहते हैं? स्तंभ। उससे भी अनुमान्य शब्द शब्द बनेगा और ज्ञाने से भी बनेगा, मन ज्ञाने धातु। यहां पर समझा बुझाकर अर्थ लेते हैं, ठीक। तारा को समझा बुझाकर, ताराम अनुमान्य, तारा को क्या किए हैं? समझाए बुझाए हैं, ठीक। तो क्या होगा? मन धातु से, मन ज्ञाने धातु से, या एक और धातु यहां है मनु अवबोधने, जो कि तनादि में है, इससे भी इण्यत करने पर अनुमान्य शब्द बनेगा। तो अनुमान्य शब्द कितने ढंग से बने? तीन। तीन ढंग से बने, कौन कौन? एक तो स्तंभ रूप अर्थ में, ज्ञान अर्थ में स्तंभ अर्थ को छोड़ देते हैं। अब अवबोधन मने समझाने अर्थ में मनु धातु है, ये तनादि में आता है। तो अनुमान्य समझा बुझा करके, तारा को समझा बुझा करके ये अर्थ करते हैं, या ज्ञाने में करेंगे तो तारा को उपदेश दे करके ये अर्थ कर सकते हैं, ठीक। तो एक ही अनुमान्यों के कई अर्थ हो सकते हैं, ठीक। प्रसंग के अनुसार हम अर्थ लगाते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? जब हम श्लोक करते हैं और श्लोक का अर्थ लगाते हैं, प्रसंगानुकूल अर्थ क्या होगा वो लगाते हैं। तो ताराम अनुमान्य, ठीक है। तारा कौन थी? सुग्रीव की पत्नी। सुग्रीव की पत्नी थी या बाली की?
गुरुजी तारा बाली की पत्नी थी। और तारा की पत्नी कौन थी? वो सुग्रीव की पत्नी। महोदय मेरे ख्याल से तो शायद तारा ही थी जो कि वो भाई बाली जो था उसे क्या बोलते हैं जबरदस्ती रखे हुए था। नहीं, ये बात है तक जानता। मैं जहां तक जानता हूं महोदय। आप यहां जानते हैं, गूगल खोल दें। वो तो आप बता दीजिएगा तो मैं ऐसे ही संतुष्ट हो जाऊंगा। नहीं नहीं, संतुष्ट होने की बात नहीं। यहां मैं पूछता हूं तारा किसकी पत्नी थी, ये यदि मैं लिख लेता हूं तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा जी? तारा किसकी पत्नी थी? थी आपको गूगल दिख रहा है जी महोदय? सर्च हो गया। बानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह बानर वैद्यराज सुसेन की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। हो गया जी। तारा एक अप्सरा थी। तो ये आ गया। अब किसकी पत्नी थी तारा? बाली की। बाली की थी। और सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था गुरुजी? गूगल तो रूमा बता रहा है। हाँ रूमा। रूमा संभव नहीं है। गूगल में तो यही लिखा है। सुग्रीव की रानी कौन थी? थी रूमा। रूमा लेकिन गुरुजी जो रामचरितमानस में जो पाठ होता है उसमें सुग्रीव की पत्नी को सुग्रीव की पत्नी कह के ही संबोधित किया गया है। मतलब कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा, या तो मैंने पढ़ा नहीं होगा ढंग से, याद नहीं होगा। लेकिन बाली की पत्नी तारा बहुत प्रसिद्ध है इसलिए क्योंकि उनको जो पतिव्रता स्त्रियों में उनका नाम लिया जाता था, पांच स्त्रियों का नाम। तो रूमा नाम था। ठीक, रूमा नाम था। चलिए तो तारा जो है वह किसकी पत्नी थी? बाली। और सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। अब विकिपीडिया में या अन्य जो विश्वासप्रद साइट है वहां से देख करके इसको खोज करके देख लेना चाहिए। तो स्पष्ट हो गया, इसीलिए यहाँ लिखते हैं ताराम। हम तो एक मिनट में आपको बता देते चिंटू, हमें बताने में देर नहीं है, लेकिन ज्ञान अर्जन की पद्धति भी तो बताऊं। ताराम, तारा नाम नीम निज पत्नीम। ठीक जी। तारा नामक अपनी पत्नी को अनुमान्य संतोष्य आश्वस्त करके समझा बुझा करके कि नहीं मैं जो जा रहा हूं मैं बलशाली हूं, मैं उससे निपटने में मैं उसको दंड देने में सक्षम हूं, क्योंकि बाली से बड़ा योद्धा और कोई भी नहीं था उस समय। जिस समय बाली था, बाली से बलशाली न रावण था, न सहस्त्रबाहु था, न सुग्रीव था। आज तक बाली को अपना प्रतिद्वंदी कोई नहीं समझ में आया, सबको वो परास्त कर चुका था। तो ये सारी बातें बाली की पत्नी तारा भी जानती थी। तो यही सारा चीज अनुमान्य संतोष्य समझा बुझा करके आश्वस्त कर दिया कि कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तारा क्यों रोक रही है उनको, क्या कारण है? तारा भाई पर रहा है। क्योंकि सुग्रीव में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आकर के गर्जना कर जाए बाली के सामने, वो तो भागा फिर रहा था। ठीक जी। तो कोई तो कारण है कि आज एकाएक वो आकर के वो गर्जना करने लगा बाली के सामने। तो तारा भी विदुषी थी,
बाली की पत्नी थी वो समझ गई कि जरूर कुछ कारण है, इतनी हिम्मत आई तो कहीं न कहीं से सपोर्ट है। और ये सारी बातें, चूंकि यह संक्षेप रामायण है, मूल रामायण को क्या कहा जाता है, संक्षेप रामायण, यहाँ संक्षिप्त में बातें कह दी गई। और जब हम वाल्मीकि रामायण पूरा पढ़ने बैठते हैं तो वहां पर हमें संवाद मिल जाते हैं। तो संवाद तारा और सुग्रीव के बीच में हुआ, और उसके बीच में ये क्या किए हैं, बाली ने अपने पत्नी को अनुमान्य उसको संतुष्ट किया अपनी बातों से, समझाया। यहां तक बातें पूरी हो गई, ठीक। तदा ताराम अनुमान्य, अब आगे चलते हैं। सुग्रीवेण समागतः तत्र एव राघवः एकेन शरेण निजघानो, दूसरी पंक्ति है ये, ठीक चिंटू जी महोदय। सुग्रीवेण समागतः तत्र, सुग्रीवेण समागतः, ठीक। तो तत्र मने वहां, कहा, गुहायाः समीपे, क्या करेंगे, तत्र मने वहां कहां पर, बाली के जो क्या बोलते हैं गुफा के बाहर, हाँ गुफा के बाहर वहीं पर, हाँ, या वहीं वहां, हाँ, ही होता है महोदय, हाँ तत्र वहां पर, और एवं मने ही वहीं पर, तत्र सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीव के साथ आए हुए, सुग्रीवेण क्या क्या अर्थ होगा, रामेन सह आगतः, और राम है सुग्रीवेण सह आगतः, पित्रा सह आगतः, पिता के साथ आया, हा? तो क्या होगा, सुग्रीवेण समागतः, यहाँ अक्तो प्रत्यय है, सम है, आंग है, और गम धातु है, समागत, गतः मने गया, भूतकाल में है, गतः मने सह गतः, तेन गतः होगा, वाक्य जब बनाएंगे तो गतः का प्रयोग कहाँ होगा, गतवान, गतः, अक्तः प्रत्यय है, नहीं समझ में आ रहा है, मेरे यहां महोदय, गतः का प्रयोग गम धातु से अक्तः प्रत्यय किया, गतः बनेगा। मनीषा जी गुरुजी, गतः का प्रयोग आपने संस्कृत संभाषण में सीखा है, संस्कृत संभाषण में नहीं गुरुजी, गतः नहीं पढ़ाया नहीं गया, अगच्छत के जगह गतः का प्रयोग कर लीजिए, कृदंत का प्रत्यय है, गुरुजी सारे रूप नहीं चलाने पड़ते हैं जब कृदंत प्रत्यय क्रिया में क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं, धातु से ही होते हैं कृदंत प्रत्यय, लेकिन वह तिंग प्रत्यय की अपेक्षा ज्यादा आसान है, कृत प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं और वाक्य बनाते हैं, तो इसीलिए संस्कृत संभाषण में तो कृत प्रत्ययों का ही प्रयोग किया जाता है, तो वहां अक्त, अक्तवतु, ये दोनों प्रत्यय पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाया नहीं, वाक्यों में प्रयोग करके आपको सिखाया गया होगा, अहम गतवान, अहम पठितवान, सहलिखितवान, हाँ हाँ ऐसे ही डायरेक्ट पढ़ाया गया है, पर उसके पीछे का रहस्य अच्छा, नहीं वो उसके पीछे का नहीं मालूम है। तो अक्त प्रत्यय जो होता है वह कर्म में अथवा भाव में होता है, कहीं कहीं कर्ता में भी होता है, लेकिन सामान्य नियम यह है कि कर्म और भाव में होता है। सुग्रीवेण समागतः, गतः मने गया, आगतः मने आया, और समागतः का अर्थ होगा समुपसर्ग, अच्छी तरह से आया, आगतः मने आया हुआ, ठीक जी गुरुजी, अच्छी तरह किसके साथ आया हुआ राघव, सुग्रीव, सुग्रीव के साथ, जो अच्छी ठीक ठाक ढंग पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं राघव,
पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और अपना शौर्य दिखा करके आए थे बाली को, सुग्रीव को, हा? तो इसीलिए यहाँ किस शब्द का प्रयोग किया, समागत, गत अर्थात अगच्छत, गया, आगत मने आया, और सम आगत समागत मने अच्छी तरह से जो आया, तो सुग्रीव के साथ आया हुआ राघव, वह राघव एकेन सरेण, सर शब्द है और सर जो है साधन है, किसमें, बाली को मारने का साधन है, तृतीया विभक्ति सरेण, और उसका विशेषण है एक, एक मने संख्यावाची एक शब्द है, तो इसमें भी तृतीया विभक्ति हो गई, एकेन, एकेन सरेण राघव निजघान, हन धातु है, हन धातु किस अर्थ में होता है, हन हिंसा गत्यो, हन धातु किस अर्थ में होता है, मारने अर्थ में और जाने अर्थ में, ठीक, जघान लिट लकार का प्रयोग है, मार डाला, और निशेषेन जघान निर उपसर्ग है, निस उपसर्ग है, यहाँ पर मैंने पूरी तरह से मार डाला, बिल्कुल प्राण नहीं बचे थे, संभावना नहीं थी कि जिंदा हो जाए, इसीलिए क्या लिखते हैं, जघानो के जगह पर निजघानो, हो गया, हन धातु का प्रयोग है, एकेन सरेण निजघानो, तो सुग्रीवेन समागत राघव, सुग्रीव के साथ आए हुए राघव, तत्र एव वहीं पर, एकेन सरेण निजघान, एक ही सर से मार डाला, अर्थ हो गया, ठीक ठाक समझ में आ गया, जी आ गया, आ गया, भूलेंगे भी, इसमें एक शब्द जो है, एक शब्द संख्यावाची भी है और एक शब्द विशेषण के रूप में भी है, लेकिन एक शब्द का और भी अर्थ होता है, वह अर्थ यहाँ पर है, एकेन अद्वितीयेन, ऐसा वो बाण था जो अद्वितीय था, उसका विकल्प नहीं था, अचूक बाण, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अचूक कहते हैं, एक ही बाण से मार डाला, ठीक, इसी को यहाँ लिखते हैं, तस्मिन काले तारा नाम नीम निजपत्नीम अनुमान्य संतोष्य स्वकनिष्ठ भ्रात्रा सुग्रीवेण सह योद्धुम उपस्थितो अभूत राघव च युद्धे बालिनम एकेनैव बाणेन व्यापादयामास। व्यापादयामास शब्द का प्रयोग अधिकतर हितोपदेश मित्र लाभ या पंचतंत्र में हुआ है, व्यापादयामास, और वहां पर भी यह शब्द आया है जहां पर एक कहानी है, कौन सी कहानी है, एक लोभी था शिकारी, एक लोभी था और वो शिकार पर गया, तो उसने क्या किया, शिकार किया था, उसकी लंबी कहानी, उसको पढ़िएगा, उसमें उसने देखा वहां पर एक आ गया था लोमड़ी, वो देखा कि अरे शिकारी ने बाण मारा शेर को, शेर शिकारी को मार डाला, और जब शिकारी और शेर में युद्ध हुआ तो सांप गुजर रहा था, वो भी उसी समय मारा गया था, तो उसी रास्ते से गुजर रहा था कौन, एक लोमड़ी, वो आया, खर ये तो महीने भर तो ये हमारा ये भोजन होगा, एक साल ये भोजन होगा, आज दिन ऐसा है ये जो धनुष है इसमें जो चमड़ा चढ़ा हुआ है प्रत्यंचा के रूप में, इसको खाके आज पेट भर लेते हैं, और दिनों का हमारा तो महीनों नहीं सालों का काम बन गया सब एक जगह, तो ये सोच करके वो जो बाण में रज्जू था उसको खाने लगा, और जो ही प्रत्यंचा को काटा
उस धनुष का वो एक हिस्सा इसको टकराया और ये भी वहीं मारा गया। तो वहां भी व्यापादयामास शब्द का प्रयोग है। गुरुजी ये कहानी कहाँ मिलेगी? कहानी पंचतंत्र की कहानी मिल जाएगी आपको, पंचतंत्र और हितोपदेश, हितोपदेश मित्र लाभ में भी पंचतंत्र की कहानियां लेकर के विष्णु शर्मा ने लिखी। तो वहां व्यापादयामास, इसीलिए मैंने इस शब्द का यहाँ प्रयोग किया। तो ये वाली कहानी आपने संस्कृत भाषी पे भी रखा है? नहीं नहीं, वो नहीं रखा है। हम लोग तो संस्कृत ही पढ़ते हैं ना, हिंदी से ज्यादा। पहले हिंदी खूब पढ़ता था, अब संस्कृत ही पढ़ता हूँ। तो सारे कौन शब्द कहाँ प्रयोग हुए हैं वो सारे शब्द याद तैरते रहते हैं दिमाग में। ये कहानी का शीर्षक क्या है गुरुजी, इस वाली कहानी का? शीर्षक तो नहीं है वहां पर कोई, वहां होता है क्या, कहानी कहने की एक अलग कला है पंचतंत्र और मित्र लाभ की, तो वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले इस श्लोक को पूरा कर देता हूँ। जी गुरु जी। तो ये श्लोक वही, ये पूरा हो गया। अब इसमें थोड़ा संधि और समास है, ताकि शब्द का अर्थ जब समझ में आ जाता है। कई बार मैं ये भी बता दूंगा आप लोगों को कि किसी श्लोक को आगे पीछे अन्वय कर करके और दो ढंग से तीन ढंग से भी आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो उससे काव्य जो उत्कृष्ट काव्य होते हैं उसमें ये बहुलता होती है। उत्कृष्ट काव्य में अर्थ बाहुल्य होता है, एक ही शब्द से कई अर्थ को व्यक्त कर देना, ये कवि का चमत्कार कहा जाता है। तो वो भी यहाँ आपको एक दो बार दिखा दूंगा। जब मैं लिख रहा था इसको तो मुझे लगा कि इस शब्द को यदि इसका विशेषण बना देते हैं तो क्या अर्थ हो जाएगा, और यहाँ रख देंगे तो क्या होगा। तो वो सब भी बाद में, जब एक बार मूल रामायण पढ़ लिया जाए तब बुद्धि विलास आगे होता है इसमें। अब चलते हैं तत्रैव। जब मैं तत्र एव कर रहा था तो तत्रैनम है, एनम शब्द का प्रयोग भी हुआ है किसी किसी में, मूल रामायणम में तत्रैनम, तो तत्र एनम भी मिलेगा वहां तत्रैनम। और वैसे मैंने तत्रैव शब्द का प्रयोग किया है, ये सरल शब्द है ज्यादा, और रामायण जो है मूल रामायण बहुत सरलता के लिए है, तो इसीलिए मैं एनम शब्द का प्रयोग नहीं करके तत्रैव ही किया है। तो तत्र एव वृद्धि संधि है, सरेण एकेन आपको बता ही दिया था, अ और ए मिल करके अई हो गया है, शब्द कठिन नहीं है। अनुमान्य बता ही दिया था, समागतः बता ही दिया था, और निजघानो भी बता ही दिया था, ये सब शब्द बता ही दिया था। बाद बाकी बताने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पर। एक चीज है टिप्पणी में, कभी कभी टिप्पणी पढ़ लिया कीजिएगा, ये टिप्पणी यहाँ पर है। जब मैं अभी जो चर्चा कर रहा था कि कुछ ऐसे भी प्रसंग होते हैं, शब्द होते हैं जिसको आगे पीछे रखने से अर्थ बदलता है, तो वो टिप्पणी में भी कुछ ऐसा चीज कभी कभी आ जाता है। श्लोक संख्या 68 और 69 का एक साथ अन्वय करने पर हरीश्वर ताराम अनुमान्य निर्जगामो इस प्रकार अन्वय होगा। दो श्लोक को एक साथ कर दीजिए, दोनों श्लोक को एक साथ करेंगे तो यहाँ क्रिया निर्जगामो है, और बाली तारा नामक अपनी पत्नी को आश्वस्त करके गुफा से निकला, यह अर्थ हो जाता है। जैसे अब आपको दिखाता हूं यहाँ पर निर्जगामो शब्द कहां पर आया है, यहां तो निजघानो है, नहीं है निर्जगामो यहाँ श्लोक में 79 में नहीं है, और 68वें श्लोक में चलते हैं तो यहाँ पर तेन नादेन महता निर्जगामो हरीश्वर, यहाँ पर निर्जगामो है, तो यहाँ हरीश्वर महता नादेन निर्जगामो, इसको लिया और एक पंक्ति इस श्लोक का भी लिया, अनुमान्य तदा ताराम सुग्रीवेण समागत। इन दोनों श्लोकों को ले लेते हैं तब हम ये करेंगे कि ताराम अनुमान्य और हरीश्वर निर्जगामो ऐसा अर्थ कर लेते हैं। ठीक,
उस श्लोक के साथ भी अन्वय बैठ जाता है। मनीषा समझी इस बात को जो मैं कह रहा हूं? जी गुरु जी। उस श्लोक के अंतिम पंक्ति जहां निर्जगाम हरीश्वर है वो पंक्ति ले लेते हैं, वो चरण, और ये चरण ले लेते हैं, पहला चरण, इसका पहला और दूसरा चरण 69वें श्लोक को। तो अर्थ बदल करके ये अर्थ हो जाएगा जो यहां पर मैंने लिखा कि हरीश्वर ताराम अनुमान्य निर्जगामो, ऐसा अन्वय होगा। ठीक, और ये अर्थ करना ज्यादा आसान है क्योंकि ये बातें समझने में आसान हो जाती कि हरीश्वर जो वाली था तारा को समझा बुझा करके उस गुफा से बाहर निकल आया, ये अर्थ हो जाता है। ठीक, इसीलिए मूल रामायणम में कभी कभी देखेंगे कि तीन श्लोक एक साथ रखना पड़ता है अर्थ की प्रतीति के लिए, अर्थ ठीक से समझ में आ जाए। इसीलिए यहाँ दो पंक्ति माने चार पाद का तो अनुष्टुप छंद होते ही है, तो इसको आप पंक्ति कहिए, दो पंक्ति के जगह तीन पंक्ति का भी प्रयोग कई बार किया है, पहले भी किया है। यही तो, मुझे गुरु जी यही शंका हो रही थी कि ये कुछ इनकम्प्लीट सा अर्थ है, लेकिन आपने खुद ही समझा दिया मेरे पूछने से पहले। अच्छा अच्छा नहीं, वो भी अर्थ है, इनकम्प्लीट नहीं, अर्थ का अध्याहार कर लिया जाता है। वो जैसे अनुमान्य पर जाकर के वाक्य पूरा कर लिया था मैंने, तदा ताराम अनुमान्य, ठीक, यहां पूरा कर दिया था, और पहले निर्जगामो कहा ही था, तो ये अनुमान्य शब्द को ले जाना पीछे पड़ता है तो ज्यादा और स्पष्ट हो जाता है। तब तारा को समझा बुझा करके ये यहां किया, और इसके बाद ये कहते हैं तेन महता ना देन हरीश्वर निर्जगामो, तारा को समझा बुझा करके उससे भी अधिक लाउडली बोलते हुए जोर जोर से शब्द करते हुए हरीश्वर वाली गुफा से बाहर निकला। ये यही आप कह रही थी मनीषा? हाँ ठीक, चलिए अब आगे की पंक्ति में चलते हैं, ये श्लोक पढ़ना सीख लेते हैं। इतने दिन हो गया, अब आप लोगों को तो शब्द सब स्पष्ट हो गए हैं, आप लोग इसको क्यों नहीं अपने पढ़ लेते हैं? एक चीज मुझे बता दीजिए आप। हाँ बत बोलिए। ये जो ऊपर आपने अनुमान ने लिखा है, हाँ, प्रत्यय में, हाँ, नीचे उसको स्क्रॉल करिए आप। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ अलग अलग धातुओं का प्रयोग किया, मतलब ये बता रहा हूँ कि अनुमान्य शब्द कैसे बन सकता है, ये दिखाना है। और नहीं, वो दो धातुएं तो समझ में आ गई। हाँ, ऊपर जो आपने लिखा है मन स्तंभे, हाँ, इसमें होता क्या है, हाँ, ये चुरादी में णिच प्रत्यय होता है, चुरादी भी णिच से, तो मानी बन जाएगा, णित्वात आदि वृद्धि हो जाएगी, मानी हो जाएगा, और लेप कर लीजिए तो मान्य हो जाएगा। वो लेप समझ में आ गया, त्रडिच बस नहीं समझ में आ रहा। हाँ, चुरादी में धातुओं से णिच प्रत्यय होता है, जैसे इसमें सप होता है भ्वादी में ठीकरण, वैसे ही वहाँ णिच होता है, चुरादी भी, चुरादीगढ़ में, हाँ चुरादी में, ठीक, यही है, ठीक। और सनाद्यंत धातु कुछ कहे जाते हैं, यहाँ भी प्रयोग हुए हैं, मैं व्याकरण में ज्यादा नहीं ले गया हूँ। सनाद्यंत में णिजंत होता है, यंगंत, यंगलुगंत और सन्नंत, ये चार प्रक्रिया है, और णिच होने के बाद फिर वो धातु का रूप लेता है, जैसे मानी धातु हो गया, अब मन धातु नहीं रहा, तो वहां भी यही होता है। जैसे पठ है, तो पठ धातु से जब हम पाठयति बनाते हैं तो पाठी धातु हो जाता है, और पाठी धातु से फिर आगे वो लट लकार और सारी प्रक्रियाएं होती है, पाठी से होता है, वैसे ही यहाँ मानी से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अभी तो इसमें और भी मुझे काम बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा हूँ और इसमें बहुत सारे चीजें हैं, खास करके शब्दों के अर्थ को प्रकट करने के लिए। नीचे मैंने एक टीका दे रखी है, ये विद्वानों के लिए वो टीका दे रखी है। वाल्मीकि रामायण की कई टीकाएं हैं, गोविंद राज जी ये टीका सबसे अच्छी टीका मानी जाती है और है भी, और ये यहाँ पर है। तो इस टीका में भी व्याकरण अंश ज्यादा है और समझना श्लोकों को अर्थ को समझना और लगाना ज्यादा अच्छा हो जाता है। अमृत कतक व्याख्या है। तो जब मैं टीका लिखने के लिए चलता हूँ या इन चीजों को, तो इस प्रकार की टीकाएं काफी हैं, उन टीकाओं को पढ़ता हूँ। जैसे ये अभी श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे, अनुमान्य तदा ताराम सुग्रीवेण समागतः, यही है श्लोक। और इसको हम यहाँ से ये कर लेते हैं, घेरे में ले लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे ये। अब इसकी अमृत कथक व्याख्या ये है नीचे। तो इस व्याख्या में क्या कहते हैं, तदा अंगद मुखादवगत सुग्रीव राम सहायम। ऐसा नहीं था कि बाली राजा था और उसके पास कोई गुप्तचर न हो, अंगद भी उसका पुत्र था, वो सब कुछ जान गया था। तो वो जान गया था कि राम, अब धनुष से उन्होंने सप्तालान विभेद्य वो सारा काम किया और आवाज न हुई हो तो आसपास के लोग तो सब घटनाक्रम देखे होंगे, अंगद सब कुछ देख चुका था। तो राम किस प्रकार सहायता करेंगे, ये सारी बातें तारा जो है अंगद के मुख से सुन चुकी थी। अतएव संयोग निर्गमनम बारयंतीम ताराम शस्त्रियम, युद्ध के लिए निकलते हुए वाली को तारा जो है अपनी पत्नी तारा को, मया कृत अपकारो रामो महियम नाप करिष्यति, मैंने राम का अपकार नहीं किया है इसीलिए राम भी मेरा अपकार नहीं करेंगे, ये राम कह रहे हैं। किसको, अपनी स्त्री को। क्या अनुमान्य मैंने क्या समझाया बुझाया, तो मैं यही कहा था कि वो अपने को बहुत बलशाली मानता था और उदाहरण दिया होगा कि आज तक मुझे कोई युद्ध में नहीं हरा पाया तो ये कैसे हरा देगा कोई भी हमें। लेकिन यहाँ अमृत कथक व्याख्याकार लिखते हैं कि मैंने राम का कोई अवतार नहीं किया है इसीलिए राम भी मेरा अवतार नहीं करेंगे, राम का क्यों करे राम अवतार किसी का। इति वचनेनो अनुमान्य अनुमितिम करोति। और ये टीकाकार क्यों इस बात को लिख रहे हैं, क्योंकि बाली का जब वध हो जाता है उसके बाद बाली और राम का जो संवाद है, उस संवाद को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष को लेकर के ये लिख रहे हैं कि यही बात तारा को वो समझाए बुझाए होंगे, तो वो अमृत कथक कार यहाँ लिख रहे हैं। इति वचनेनो अनुमान्य अनुमितिम करोति ताम अनुमायति, अनुमिति करना और उसको समझाना, समझना और समझाना, वही ताम अनुमायति। मानयते है अत्वाल्य, मानी से अत्वा हुआ, अत्वा और उससे लेप प्रत्यय हो गया। और यहाँ गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ कर्म जो सूत्र है उससे तारा में कर्मत्व हुआ है। सुग्रीवेन बाली युद्धाय समागतो हुआ तत्र संयुगे एनम बालिनम जही, एनम शब्द है ना, मैं कह रहा था एव और यहाँ टीकाकार एनम शब्द लिख रहे हैं। बालिनम जही काकुस्थम मया बद्धो एव मंजलिः इत्येवं रूपात् सुग्रीव वचनात् राघव एकेनैव शरेण निजघान। अत्र सुग्रीव वचनस्य हन प्रयोजकत्व कथनम अपकारी बाली वधस्य अयुक्तत्वेपि, जो बाली ने कोई अपकार नहीं किया था फिर यह युक्त नहीं था बाली को मारा जाना, फिर भी मित्र का उसने अपकार किया था इसीलिए उसको मार हननम इति द्योतनाया अनुवाद रूपों। तो उसने उनका तो नहीं अपकार किया था लेकिन उनके मित्र का अपकार किया था इसीलिए उनको मारना उचित था, यह यहाँ पर कह रहे।
तो बात यह है, टीका को पढ़ने से और भी दृष्टि खुलती है। अभी आप लोग प्रारंभिक रूप से इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, जब ये सब कुछ पढ़ लिया समझ गया, अब और अतिरिक्त नॉलेज चाहिए तो उसके लिए टीका पढ़ा करते हैं। यहाँ पर 70वें श्लोक में कोई खास टीकाकार कुछ नहीं लिखते हैं और इसको वहां से पढ़ते हैं, मूल श्लोक पर वहां चलते हैं। ये जो अध्यापक लोग हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर ये दिया है, चूंकि ये ट्यूटोरियल मैंने डेवलप किया है और इस ट्यूटोरियल में अध्यापक भी पढ़ सकते हैं, छात्र भी, तो छात्र ऊपर वाला पढ़ ले, अध्यापक ऊपर और नीचे सब पढ़ ले। कहाँ आ गए, कौन श्लोक है, अड़सठ, ये 77 हो गया। हाँ, और ऊपर है। ततः, अब श्लोक आगे वाला पढ़ लेते हैं, आ गए। कौन पढ़ करके इसको सुनाएंगे? कौन इसको पढ़ करके सुनाना चाहते हैं? अपना नाम लिखाइए और पढ़ करके सुनाइए। चिंटू, हाँ, श्लोक पढ़ के सुनाइए। ये सुग्रीव वचना धत्वा बालीन ततः सुग्रीव वचना धत्वा बालीन महवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यय प्रत्यपादयत। ठीक है, बहुत, बस एक दो जगह शुद्धि है। हाँ मनीषा, यदि खाली हो तो पढ़ दें। जी गुरुजी। हाँ। ततः सुग्रीव वचनाद्धत्वा, सॉरी गुरुजी, लेकिन वचनाद्धत्वा बालिनम आहवे। चलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ, पीछे पीछे पढ़िए। ततः सुग्रीव वचनाद्, अब जब अलग अलग पढ़ेंगे तो संधि विच्छेद करके ही पढ़ेंगे। हत्वा बालिन माहवे, हत्वा बालिन माहवे, हत्वा बालिन माहवे, अलग अलग पढ़ रहे हैं तो हत्वा पढ़ेंगे इसको। ध जो है, पीछे बार भी आपको मनीषा बताया था कि ह को ध हो गया है, यहाँ है हत्वा। हत्वा बालिन माहवे, सुग्रीवमेव तद्राज्ये, सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्, राघवः प्रत्यपादयत्। ततः सुग्रीव वचनात् धत्वा बालिनम् आहवे, ततः सुग्रीव वचनात् धत्वा बालिनम् आहवे, सुग्रीवमेव तद्राज्ये, सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्, राघवः प्रत्यपादयत्। ठीक है, अब श्वेता आप पढ़िए। ततः सुग्रीव वचनात् धत्वा बालिनम् आहवे, सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। ठीक है, मनीषा। ततः सुग्रीव वचना धत्वा बालिन माहवे, सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। ठीक है, बहुत सुंदर। अब चिंटू। ततः सुग्रीव वचना धत्वा बालिना माहवे, सुग्रीव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। हाँ ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को पाणिनी शिक्षा का एक श्लोक बोला था, इति सिद्धि शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल कंठश्च सडेते पाठका धमा, अधम पाठक का लक्षण बताया था। और उसमें सबसे पहला शब्द है गीति, गा करके बोलने वाला,
ठीक, और दूसरा है शीघ्री, जल्दी जल्दी बोलने वाला। तो दोनों दोष है, अधम पाठक कहे जाते हैं, तो ज्यादा यदि गाएंगे तो भी गलत उच्चारण कर जाएंगे, और बहुत धीरे बोलेंगे तो गाना हो गया, और जल्दी जल्दी बोलेंगे तो शब्द स्पष्ट नहीं होगा। तो ये दोनों अधम पाठक के लक्षण हैं। तो जो लयबद्धता जितने से काम चल जाए उतने ही कीजिए। तथा सुग्रीव वचना धत्वा वालिनम आहवे, बोलिए। सुग्रीव वचना सुग्रीव मेव तद्राज्य राघव प्रत्यपादयत्। कोई पंडित जी आपके घर पूजा कराने आते हैं सत्यनारायण कथा संस्कृत में श्लोक बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? वंदे भारत ट्रेन जैसे पढ़ते हैं श्लोकों को, पता ही नहीं चलता है हावड़ा से कब खुल करके दिल्ली पहुंच गए। तो वो भी नहीं हो, आनंद पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, अभी और स्पष्ट हो जाएगा। तो पदच्छेद कर लेते हैं। पदच्छेद करने से एक एक शब्द अलग हो जाता है, अलग अलग उच्चारण करते हैं तो सुगम हो जाता है। ततः सुग्रीव वचनात्, वचन शब्द है पंचमी एक वचन में, वचनात् रामात्, इसीलिए पीछे बार जारे में सुबह सो करके उठ करके आपको कुछ शब्द रूप रटवा दिया था। वचनात् हत्वा, हन धातु से अक्त्वा प्रत्यय हो करके हत्वा। वालिनम, वाली शब्द है द्वितीय एक वचन में, वालिनम आहवे, आहव शब्द है सप्तमी एक वचन में, क्या बना आहवे रामे। सुग्रीवम, सुग्रीव शब्द के द्वितीय एक वचन में, सुग्रीवम एव अव्यय है। तत् राज्ये, यह तत् शब्द जो है नपुंसक लिंग का है, या हाँ नपुंसक लिंग का प्रथम एक वचन में तत्, क्योंकि अव्यय नहीं। राज्य, राज्य शब्द के सप्तमी एक वचन में राज्य, कितना आसान है। अकारांत पुलिंग याद किया सबका अर्थ लग जाए। राघव, राघव अकारांत पुलिंग, 80% शब्द अकारांत है यहाँ, और दो ही शब्द रूप याद करने की जरूरत है। सारे सर्वनाम भी नहीं, सब पढ़ा चुका हूँ, भूल गए हूँ। प्रत्यपादयत, अब प्रत्यपादयत शब्द जो है यह क्रिया है, और इसमें हम देखते हैं कि कौन धातु कौन प्रत्यय और कौन सा उपसर्ग है, ये देख लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। प्रत्यपादयत, प्रति पद नीच लंग लकार में बना है प्रत्यपादयत। अब नीच कर देंगे तो पादी बन जाएगा, तो पादयत अपादयत ये रूप बन जाएगा लंग लकार में। अपादयत क्या लंग लकार में बनेगा, पादी से अपादयत, और प्रति उपसर्ग लगा देते हैं प्रति वाले ई अपादयत का ओ, क्या बन जाएगा प्रत्यपादयत। कितना आसान है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझने के बाद उच्चारण शुद्धता स्वतः आ जाती है और अर्थ भी अपने आप लग जाता है। और एक लिंक भी बताया था, यदि मैं यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण करके दे दूं, यहाँ मैं खोल लेता हूँ, आप लोगों को लिंक उंक सब दे दिया है, और नारायण कथा सुनने के बाद भूल जाएंगे तो दिक्कत है। ये लिंक मैं खोलता हूँ और खोजते हैं प्रत्यपादयत, क्रियापद है ना, लंग लकार में बना है ना, यहां पर आप दे दीजिए, यहां सर्च कर दिया, कुछ नहीं करना है। यहां लिखते हैं
उत्पादयत। ये शब्द लिख दिया और सर्च बटन दबा दिया, यहां नहीं दे रहा है। अब इसको हम ये कहते हैं, हम जानते हैं प्रति उपसर्ग के साथ है, अब कहते हैं अपादयत खोज दो भैया, नहीं खोज पा रहे हो तो। देखिए पद धातु है पद गतौ, जाने अर्थ में है, पद अति जाता है, णिच पादी दिवादी का है, कर्ता में प्रयोग हुआ है लंग लकार परस्मै पद में। बता दिया, दिख गया श्वेता? हाँ दिख रहा है, दिख गया। अब इसको क्लिक करते हैं। हाँ बोलिए मनीषा। गुरुजी यहाँ पे सर्च करने के लिए भी हमको थोड़ा संस्कृत तो आना ही चाहिए। आपको बताया ना प्रति उपसर्ग है, अपादयत होगा। तो बेस मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों का, आप लोग भले भूल गए होंगे, 10 महीने का अंतराल हो गया, निरंतर नहीं पढ़े, भूल गए होंगे। अब अपादयत अपादयताम अपादयन, अपादय अपादयतम अपादयत अपादयम अपादयाव अपादयामो, है कि नहीं? मिल गया सब कुछ आपको? और प्रति उपसर्ग लगा देंगे प्रत्यपादय, हो गया कि नहीं? अब प्रस्तुत प्रसंग पर चलते हैं। नहीं और भी इसका वो देखना हो कुछ आप पद धातु से लंग लकार में, वो भी दिखा देगा ये। चलिए प्रस्तुत में ये हो गया, पद गतौ धातु है ठीक, जाने अर्थ में, और उपसर्ग के योग में क्या अर्थ बदल करके हो गया है इसका, वही नियुक्त करना प्रतिष्ठापित करना, ये अर्थ हो गया। कहां जाना अर्थ था और क्या अर्थ हो गया, नियुक्त कर देना स्थापित कर देना, कितना अर्थ बदल गया। इसीलिए कहते हैं उपसर्गे नैव धात्वर्थो बला धन्यत्र नीयते, उपसर्ग से धातु के अर्थ को जबरदस्ती पकड़ करके अन्यत्र नीयते दूसरे जगह लेकर के चले जाते हैं। जैसे पद धातु का जाना अर्थ है, यहाँ पर कहता है जाओ नहीं यहीं बैठो, हाँ बैठा दिया स्थापित कर दिया है ना, हालांकि स्थापित करने में भी स्थागति निवृत्तव है तो गति है वहां भी। चलिए अब अर्थ लगाते हैं, ततः, ततः का अर्थ क्या होगा चिंटू? ततः का मतलब हाँ वहां तो नहीं ना होगा, क्योंकि ततः मतलब वहां होता है, और ततः माने तदनन्तरम उसके बाद, ततः एवं जातम उसके बाद यह हुआ, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम उसके बाद क्या उसके बाद क्या, ये सब जब संसार में आप जितना उछल कूद कर रहे हैं और ये सब जब प्राण छूट जाए तो फिर कहता है ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम उसके बाद क्या हा? तो वही ततः उसके बाद किम क्या ततः, ये सारे सारी घटनाएं जब हो गई क्या, बाली को जब भगवान राम ने मार दिया, एकेनैव शरेण निजघान एक ही शर से मार डाला, तब उसके बाद प्रत्यपादयत स्थापित कर दिया, कहा प्रत्यपादयत कहता है राम, यहां कर्ता को ढूंढते हैं तो कर्ता प्रथम एक वचन में राघव, राघव प्रत्यपादयत राघव ने स्थापित कर दिया, कम प्रत्यपादयत किसको स्थापित कर दिया, कतः सुग्रीवम प्रत्यपादयत सुग्रीव को, कर्म हो गई विभक्ति द्वितीय विभक्ति, तो सुग्रीव को राघव ने वहीं स्थापित कर दिया, कहाँ स्थापित कर दिया, कुत्रात कहते हैं तदराज्य, जहां बाली राज्य कर रहा था उस राज्य में ठीक, तदराज्य सुग्रीवम
प्रत्यपाद है। अब इसको उलट पलट भी कर सकते हैं, राघव तद राज्य सुग्रीवम प्रत्यपादयत, ये हो गया, या कहिए सुग्रीवम राघव तद राज्य प्रत्यपादयत, ऐसा भी कह लेंगे, अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक जी। कि अब थोड़ा सा और विस्तार इसको दे रहे हैं। सुग्रीव वचनात्, राम तो बाहर के थे, वहां के तो थे नहीं निवासी, वहां के निवासी थे नहीं, नहीं। कहां से आए थे? अयोध्या से। राज किसका था? वो बाली का। किसी समय सुग्रीव भी राज कर चुका था, तो उसको कौन चलाए, किससे राय मशविरा करे? तो सुग्रीव वचनात, सुग्रीव के वचन के कारण, सुग्रीव ने जो कहा, नहीं गलत कह रहा था, यहां तक हत्वा तक एक लाइन है। तद राज्य सुग्रीव में वह प्रत्यपादयत, उस राज्य में सुग्रीव को ही नियुक्त कर दिया। ये एक अलग है सेंटेंस, और ये सेंटेंस अलग है। ततः सुराघव सुग्रीव वचनात आहवे बालिनम हत्वा, ततः उसके बाद, वहां भी लिख रहे हैं कि मार डाला, और यहां फिर कह रहे हैं उसको मारने के बाद, मार करके राघव ने क्यों मार डाला? कहते हैं सुग्रीव वचनात आहवे बालिनम हत्वा, सुग्रीव के वचन के कारण सुग्रीव ने कहा उनको कि बाली जो है हमारी पत्नी को रख लिया है और हमें राज्य से निष्कासित कर दिया है, हम लोग प्रताड़ित हैं और दर दर ठोकरे खा रहे हैं, ऋषिमुख पर्वत पर आकर के शरण लिया हूं, क्योंकि यहाँ उसको श्राप है कि यदि, श्राप शब्द गलत है, साप है कि यदि बाली वहां आएगा तो उसका खंड खंड हो जाएगा, तो इसीलिए बाली उस ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता है, और वहां वो सुग्रीव सुरक्षित अपना है, अपने जो मंत्री हैं उनके साथ। तो सुग्रीव दुखी था, राज्य नष्ट हुआ, उससे ज्यादा दुखी था उसकी जो पत्नी थी उसको उसने रख लिया था, तो इसीलिए सुग्रीव सारा वृत्तांत राम से कहते हैं, और उसके कहने पर उसकी सहायता के लिए आहवे युद्ध है। आहव किसको कहते हैं? युद्ध को, यहाँ आह्वान किया जाता है परस्पर एक दूसरे, उसको क्या कहते हैं? आहव युद्ध। हाँ, युद्ध में, ऐसा नहीं कि ऐसे मार डाला, कहते हैं युद्ध में बालिनम हत्वा, युद्ध में बाली को मारकर। ठीक। और जब मार दिया तब तद राज्य सुग्रीव में वो प्रत्यपादयत, उस राज्य में सुग्रीव को ही स्थापित कर दिया, राजा बना दिया। ततः तदनंतरम राघव राम सुग्रीव वचनात आहवे युद्धे बालिनम, सुग्रीव भ्रातरम, सुग्रीव के भाई बाली को मार करके उस राज्य में, बाली के राज्य में सुग्रीव को ही स्थापित कर दिया। अर्थ लग गया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं गुरुजी। अर्थ है आसान से, आहव नया शब्द आपके लिए होगा यहाँ पर, और कहीं दिया उसको। अब चलते वचनात हत्वा में ह को ध हो गया है, कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं, याद रखिएगा, कई बार शब्द बदलते हैं। प्रत्यपादयत हो ही गया है, हम लोग काफी इसको देख लिए हैं। सुग्रीव वचनात, सुग्रीवस्य वचनात भी अलग अलग करते हैं, समस्त पद है सुग्रीव वचनात, यहाँ पर समास हो गया। तद राज्य, तस्य राज्यम, कस्य राज्यम, किसी राज्यम, बाली के राज्य, हाँ, और उसके राज्य में सुग्रीव को नियुक्त कर दिया। ठीक। ये ततः शब्द जो है तस्मात अर्थ में तसील प्रत्यय होकर के बनता है, और कोई खास नहीं है, और सब आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं,
और कुछ इसमें ज्यादा चीज नहीं कहना है। अब कल हम लोग आगे श्लोक पढ़ेंगे। सच सर्वान समानीय वानरान वानरर सभा दिशा प्रस्थापया मास दीदृक्षो जनकात्मजाम। इस श्लोक को कल पढ़ेंगे। आज बस इतनी ही कक्षा पूरी हुई। कल फिर इसी समय यहीं पर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोगों को यदि समय मिले तो संस्कृत भाषी ब्लॉग को आप लोग पढ़ते रहिए और जो कुछ नहीं समझ में आया होगा वो भी समझ में आ जाएगा, फिर से स्मरण हो आएगा।